भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पैदा हुए हालात पर ड्रैगन मदद की पेशकश कर रहा है। दूसरी कोरोना वेव में दिनों दिन गंभीर होते जा रहे हालात पर चीन ने चिंता जताई है। चीन ने चेतावनी दी है कि अगर संकट पर जल्द ही काबू नहीं पाया गया तो भारत की अर्थव्यवस्था 20 साल पीछे चली जाएगी। बीते साल से दोनों देशों के रिश्तों में आई कड़वाहट को किनारे रखकर ड्रैगन सलाह दे रहा है कि भारत को राजनीतिक पक्षपात को एक तरफ रखकर चीन से सीखना चाहिए। चीन भारत को टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने और अस्थायी अस्पतालों का निर्माण करने की नसीहत दे रहा है। पड़ोसी देश की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले 2 हफ्तों में भारत में रोजाना आने वाले नए मामले बढ़कर 5 लाख तक हो सकते हैं। साथ ही चीन का कहना है कि भारत में आज भी असल संख्या दर्ज मामलों से काफी ज्यादा है, क्योंकि इसमें कई बेघर लोगों को शामिल नहीं किया गया है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इससे भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी और ऐसा भी हो सकता है कि इससे दक्षिण एशिया की स्थिरता भी प्रभावित हो। सीमाओं के मोर्चे पर क्या होगा ये कहना फिलहाल जल्दबाजी है, लेकिन चालबाज चीन अपने इन पैतरों से या तो भारत के साथ रिश्ते सुधारने का सही में अवसर खोज रहा है या फिर भारत के प्रतिबंधों से घबराकर वापस किसी न किसी तरह कारोबारी रिश्तों को सामान्य करने की फिराक में है। चाइना से यहाँ पर भारत ने ट्रेड काफी हद तक कम कर दिए हैं या फिर ये कहें कि बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से चाइना के को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और इसी वजह से ऐसे हालात में जब भारत में कोरोना के केसेस बढ़े हैं तो वो यहाँ पर हेल्प की उम्मीद समझता है कि वो यहाँ पर भारत की हेल्प कर सकता है, लेकिन भारत अन्य देशों से यहाँ पर मदद ले रहा है। जिस तरीके से अभी ऑक्सीजन की जब कमी हुई तो कुछ देशों से ऑक्सीजन इम्पोर्ट की गई। 2 दिन पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भी भारत को मदद करने की पेशकश की थी। अब कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए चीन की कंपनियां भी मदद कर सकती हैं। दरअसल इस आपदा को अवसर में तब्दील करने को बेचैन चीन को डर है कि भारत मध्य पूर्व के देशों और सिंगापुर से ऑक्सीजन का आयात कर सकता है, लेकिन वो ऑक्सीजन के लिए शायद चीन की मदद नहीं लेगा। ऐसे में चीन सलाह दे रहा है कि भारत को अपने वैचारिक पक्षपात को परे रखकर पहले लोगों की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ शायद चीन को गलत फहमी है कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए भारत हर मुमकिन रास्ते का इस्तेमाल करने से पीछे हटेगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से पश्चिमी देशों ने भारत से लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई है और अमेरिका ने वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने में आनाकानी की है, उससे चीन भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटा है। ऐसे हालात में जब कोरोना के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत अन्य देशों से मदद की उम्मीद कर रहा है और यूएस ने यहाँ पर काफी हद तक वैक्सीन को लेकर के उसके रॉ मटेरियल को हेल्प करने की कोशिश की है। और बहुत से और देश हैं जिनसे कि भारत यहाँ पर ट्रेड की उम्मीद करता है, और आने वाले जो समय हैं और जिस तरीके से भारत ने यहाँ पर अन्य देशों से रिलेशन अच्छे बना कर रखे हैं, उसका फायदा ऐसे हालात में देखने को मिलेगा। लेकिन उम्मीद है कि चीन से मदद लिए बगैर भारत अपने दम पर और अपने मित्र देशों की मदद से इस संकट से बाहर आ जाएगा। हालांकि फिलहाल स्थिति बेहद गंभीर है और इससे कैसे सरकार पार पाएगी ये देखने वाली बात होगी।